सिवा कुछ है? और तुम्हारे पास मेरे लिए क्या है? तुम्हारे पास तो मेरे लिए ना एहसास है, ना पैसा और ना ही वक्त। बस हो गई शुरू। अगर दुकान नहीं चल रही तो तंगी तो होगी ना। इस सभागुल के आने से पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था। ये सब तुम्हारी बदकारियों की वजह से हुआ है। छोड़ दो इस हराम फेल को जमाल। पहले सोबिया थी और अब सभागुल। कुछ तो ख्याल करो जवान बेटी, सुन रही है सब कुछ। यही जवान बेटी घर से बाहर अपने बाप को होटलों में दूसरी औरतों के साथ दाखिल होते और निकलते देख चुकी है अपनी आंखों से। मैंने तो कहा था कि पापा जैसे दिखते हैं, मम्मा आप भी ना। नसरीन, रामिया, बदबूदार, साली, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सफा पलट कर देख लो। मैं
क्या जरूरत है किसी से इजाजत लेने की? अच्छा, अब सारी बातें क्या यहीं खड़े होके करोगे? चलो अंदर चलते हैं। चल। अंजाम इतना बुरा होगा तो मैं कभी तुमसे रिश्ता ना रखती। हम दोनों तो गाड़ियों में सफर कर रहे थे, यहां कैसे आ गए? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
राबिया कहाँ जा रही हो? सहेली के यहाँ। क्या आओ बैठो। बेटी तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहाने बहाने से घर से कुछ ज्यादा ही बाहर रहने लगी हो? छोटी जरूर हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। आप हर वक्त क्यों लेक्चर देती रहती हो? ऐसी बात नहीं है, एक छोटी सी गलती इंसान को पस्ती की तरफ ले जाती है। मैं तो सिर्फ तुम्हें आगाह कर रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ हमेशा। मैं इसी में खुश हूँ, पापा भी खुश हैं। बेटी इन चंद लम्हों के नशे को तुम खुशी कह रही हो? ये तो इंसान को अपने मकाम से गिरा देता है, जिंदगी में भी और कब्र में जाने के बाद भी। कब्र में जाने का वक्त नहीं आया मम्मा, नहीं आपका नहीं पापा का। फिर आप कब्र का रोना क्यों रो रही हैं? सिर्फ जरा सा पांव चूक जाए तो जिंदगी पस्त और नाकाम हो जाती है। मैं नहीं मानती। बेटी मेरे और तुम्हारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकारी से बचने का हुक्म दिया है, उसमें बुराई है इसीलिए तो बचने का हुक्म दिया है उन्होंने। क्या तुम उनकी बात भी नहीं मानोगी? मामा मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अपनी मां की बात को समझ। अपने बाप की तरह बन। या अल्लाह अपने हबीब के सदके में, उस अजीम हस्ती के सदके में मेरी बच्ची को हिदायत दे। मेरे और तुम्हारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकारी से बचने का हुक्म दिया है, उसमें बुराई है इसीलिए तो बचने का हुक्म दिया है उन्होंने। क्या तुम उनकी बात भी नहीं मानोगी? भी हो सकता है, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, कुछ देर के लिए तो आपकी
दिल की धड़कनें भी बंद हो गई। हमने तो समझा कि आप खैर आप सब ठीक है। आप हैं तो फिर आपके घर में तो सिर्फ एक लड़की थी। I'm sorry. हमारे आने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। इसे वापस लाओ। आपने बता दे जो आप नहीं दिएगा। Please, इसे वापस लाओ। Please, इसे वापस लाओ। इसे मौका दे दो। एक मौका। अगर मुझे पता होता कि उस गुनाह का अंजाम इतना बुरा होगा तो मैं कभी तुमसे रिश्ता ना रखती। Ah.